मिक्स फ्रैक्शन में आज हम मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल देखेंगे और इन दोनों फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा हमारा, जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और उसे चेंज करने के लिए आपको तरीका पता ही है, इनका गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ेंगे। तो चार दुनिया आठ एक नौ, नौ बटा चार गुणा तीन पंचे पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह बट्टा तीन, यह हो गया। अब क्या करें, तो यह हमारे पास एक सरल भिन्न हो गया और इनका गुणा बेहद आसान है, अंश और अंश का गुणा, तो नौ गुणा सत्रह, और हर का गुणा, तो चार गुणा तीन। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से अगर कुछ कैंसल होता है तो कैंसल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तीन से तीन एकम और तीन तिया, ठीक है, अब हमारे पास यह और सरल हो गया, सत्रह तिया इक्यावन बट्टा यह चार, इक्यावन बट्टा चार, अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आंसर मिला, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वह इस तरह से करेंगे, चार से डिवाइड कीजिए, चार एकम चार, घटा लेते हैं एक और इसे उतारते हैं एक, चार दूनी आठ, घटा लीजिए तीन, तो क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन बारह सही, तीन रिमाइंडर ऊपर और चार, ठीक है, तो यह होगा हमारा आंसर। इसकी जांच भी हम कर सकते हैं, चार बारह अड़तालीस, तीन इक्यावन, इक्यावन बट्टा चार। तो इस तरह के जो सवाल होंगे गुणा के, हमने भिन्न का गुणा के सवाल बहुत सारे देखे हैं, इसमें यह है कि सबसे पहले इसे हमें सरल भिन्न में बदलना होगा, और उसके लिए आपको हमने पहले भी तरीका बताया है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, फिर गुणा अंश और अंश का गुणा, हर और हर का गुणा, और इस तरह से सवाल जो है सॉल्व होगा। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में हम एक डिवीजन का सवाल देखते हैं, और जो सवाल है कुछ इस तरह से है। तो पहला हमारा काम होगा, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका इसके साथ गुणा और फिर उसमें इसे प्लस करेंगे, तो दो दहम बीस और एक इक्कीस, इक्कीस बटा दो, और भाग इसे भी बदल लेते हैं, चार पंचे बीस, बीस और तीन तेईस, तेईस बट्टा चार, यह एक सरल भिन्न में हमने बदल लिया। अब क्या करेंगे हम देखते हैं, आपको पता ही है कि भिन्न में जो भाग के सवाल होते हैं उसमें हमें भाग बिल्कुल नहीं करना होता है, हमें गुणा करना होता है, और गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखते हैं। तो यह हो गया इक्कीस बटा दो, इसे हम बदल लेते हैं गुणा में, और जब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो यह चेंज हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है, यह उल्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा चार बटा तेईस। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है अंश और अंश का गुणा करना होता है, तो इक्कीस गुणा चार, और हर का गुणा दो गुणा तेईस। अब देखिए कुछ कैंसल हो सकता है तो उसे कैंसल भी करेंगे, तो यहाँ पर दो दो से वन टाइम, और यहाँ दो दो ने, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो हमारे पास मिला इक्कीस दो ने बयालीस, बयालीस बट्टा या तेईस। अब यह हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आंसर मिला, इसे हमें फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो बदलने के लिए हम करेंगे बयालीस को तेईस से डिवाइड, तेईस एकम तेईस, छियालीस ज़्यादा हो जाएगा, घटा लेते हैं, तो हमें मिला बारह में से तीन नौ, और तीन में से दो एक उन्नीस, ठीक है, तो यह कंप्लीट नंबर, फिर उन्नीस रिमाइंडर जो है ऊपर और तेईस नीचे, तो यह होगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमारा आंसर, और यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आंसर, क्योंकि हमारा सवाल मिक्स फ्रैक्शन में है और इसलिए हम आंसर भी लाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में। आप यहाँ से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, तेईस एकम तेईस,
23 में 19 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 42, 42/23। तो कुछ ऐसे सवाल आप और हल कीजिए।